नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूज 81 एंटरटेनमेंट में। आइए रुक करते हैं हमारी संवाददाता की खास रिपोर्ट पर। विसाखी का दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने आवाज जो दी, भाई दया सिंह अज जो इतिहास सुनाने लिए असि इतने बैठे हाँ ना, शायद नहीं पता होगा कि जेडे भाई धर्म सिंह मेरा नाम सुनील ढींगरा है और मैं बस इस गुरु घर के साथ जुड़ा हूँ। जो थोड़ा बहुत कीर्तन जैसे गुरु साहब कीर्तन करवाते हैं वैसे कर लेते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है जो आज हम इस मंदिर में आके गुरु गोविंद सिंह साहब जी का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल की है राजकुमार सप्रा जी ने और सारे जितने भी आपके मेंबर हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज सिख समुदाय के साथ जुड़ के आज जो मंदिर में ये कार्यक्रम हुआ है, मेरे हिसाब से ये उपराले हमेशा होने चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों के उजागर नहीं होगा कि कैसे शहीदियां दी हैं गुरु ने सिखों ने और ये आज हमें ये जो दात हमारी झोली में पड़ी है, तो मैं कहूँगा ये ऐसे उपराले होने चाहिए और ऐसे ही सेवा चलती रहनी चाहिए जी। मैं देवेंद्र सिंह गुजराल, मैं राष्ट्रीय सिख संगत का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। ये जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का आज जो प्रकाश पर्व मनाया गया, ये बहुत ही सराहनीय योग है। मैं इसके साथ ही मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हिंदू समाज को, जितने पंडित समाज है, इनको गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, वो श्रद्धांजलि प्रकट देनी चाहिए, क्योंकि उनके माथे पर तिलक और जंजू आज भी जो है वो उनकी खून से ही सींचा हुआ है। तो उनको ये उस लिहाज से हमें गुरु गोविंद सिंह जी ने उस जनेऊ की रक्षा के लिए फर्दर आगे कितना काम किया, कितना उसके ऊपर कितना अपना अपने अपने पूरे परिवार को, चाहे औरंगजेब के जुल्म को दबाने के लिए उन्होंने अपने 40 मुक्ते, जितने सिख थे, 5 प्यारे थे, वो सभी ने जंग किया उनके उसके विरुद्ध और अपने चारों बेटों को भी न्योछावर कर दिया। और उसके पश्चात उन्होंने जब उनसे उनकी वाइफ उनके महल उनसे पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। इस तरीके से अगर ये शुरुआत अगर सनातन धर्म मंदिर ने की है तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और राष्ट्रीय सिख संगत का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भी यही है कि वो बाकी समाज के अंदर सिख समाज की जो जितनी शहीदियां हैं, जितनी उनके गुरुओं की शहीदियां हैं और जो गुरुओं के, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने केवल सिर्फ अपने सिख धर्म की बात ही नहीं की, उन्होंने रामायण लिखी, 24 अवतार लिखी, उन्होंने कृष्ण अवतार लिखी। तो ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने सब लिख कर और ये बताया कि हमारा समाज अलग नहीं है, हम सब एक हैं। राकेश कुमार यादव, प्रेजिडेंट यदुवंशी महासंघ फेडरेशन ऑफ सदर बिहार टेटर। देखिए, आत्मा प्रसन्न हो गई, मेरी माँ प्रसन्न हो गई, जिसका बड़ा बेटा सिख, छोटा बेटा सहजदारी। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारी भारत की संस्कृति है। और गुरुओं ने, जैसे सिंह साहब ने बताया, आज जो तिलक और जो जनेऊ हमारे वदन पर है वो गुरु महाराज की कृपा है। और ऐसे गुरुओं को हम भूल जाएं, जैसे अभी सिंह साहब बता रहे थे कि ये जो बाकी के बच्चे हैं और धर्मों के बच्चे हैं,
उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि आपका सनातन धर्म कौन है, सनातन धर्म का रक्षक कौन है, गुरु महाराज ने अपनी 9 वर्ष की आयु में किस तरीके से सिख धर्म की स्थापना की बैसाखी के पर्व पर, और उन्होंने आगे किस तरीके से सनातन धर्म की रक्षा की। आज परमपिता परमेश्वर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरुओं के ही चरणों में हैं। जब उन्होंने व्यासदेव जी के चरण दबाए, प्रभु राम ने अपने गुरु के चरण दबाए, और परमपिता परमेश्वर ने सीधी डायरेक्शन दी है कि जो पृथ्वी लोक पर आएगा वो गुरु के चरणों में नमन कर ही अपना उद्धार कर पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। हमें अपने गुरुओं की वाणी को पढ़ना चाहिए, और वाणी को पढ़ने के अलावा अपने बच्चों में इस बात के संस्कार देने चाहिए, इस बात पर पूरी तरीके से डिस्कशन करना चाहिए कि हमें गुरु वाणी पर कैसे चलना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है, और क्षत्रिय हैं हम। अगर गुरु महाराज का जिस तरीके अन्याय करना एक बहुत बड़ा पाप है, अन्याय सहना भी बहुत बड़ा पाप है, यही हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें अपना प्रकाश में बताया, और हमें उस पर चलना चाहिए। ये आज जो सपरा जी ने सनातन धर्म मंदिर के अंदर इस तरीके किया, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने हर मंदिर में गुरु महाराज की स्थापना करें, और ये जो पाठ है वो कराएं, और प्रकाश सब धूमधाम से मनाएं, ताकि हमारे बच्चे जान सकें कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी आत्मा क्या है, और हमारे गुरु क्या हैं। मेरा नाम राजकुमार सपड़ा है, और मैं श्री सनातन धर्म भैरव एन्क्लेव के प्रधान के नाते कार्य देखता हूँ। मन में तो विचार मेरे बहुत पहले से ही है, क्योंकि मैं जो अगर आपको बताऊँ तो बचपन से ही ये एक बात मन में कचोटती थी, क्योंकि मैं उस परिवारों में से हूँ जो लोग आज पाकिस्तान में चले गए, क्षेत्र उन क्षेत्रों से हम इधर आए, और हमारे चाचा मामा वगैरह थे वो केशधारी, हम लोग सहीदारी। लेकिन अंतराल में जाके अब जाके देखा मैंने, जब हम शुरू में रहे अपने 50, 60, 70 में तक, 80 तक हमने देखा कि हमारा आपस में काफ़ी प्यार रहा, प्यार सब बच्चों में, सब में भाइयों में बहुत प्यार था। लेकिन इस वर्ष जब हम जाके देखते हैं, लगभग मैं याद करना चाहूँगा, बिल्कुल सही बात है कि 84 ऐसा दर्दनाक हादसा था कि जिसमें भाई भाई भी जो रहा हमसे वो अलग हो गया, चाहे वो सारा समाज इसके लिए दोषी नहीं था, लेकिन एक खाई सी बन गई, तो जिसको पाटना आवश्यक था, ये मन में मेरे एक पीड़ा अवश्य रही थी कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो अभी पिछले 6 महीने पहले यहाँ इलेक्शन हुए थे और मैं मंदिर का प्रधान बना, तो तभी से मैं मन में एक कल्पना थी कि कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो मैं कर पाऊँ। तो फिर मैंने एकदम जब पता किया तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन जो है वो जनवरी में आ रहा है, तो फिर मैंने 2-4 अपने पहले कमेटी में बातचीत रखी 2-4 लोगों से, उन्होंने कहा ठीक है आप प्रयास करिए, फिर मैंने जिन जिन लोगों को आमंत्रित करना चाहता था उनसे बातचीत की, और सभी का मेरे को सहयोग मिला। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जिन जिन लोगों ने आज सहयोग दिया है, और एक जो खाई पाटने की तरफ आज आप सभी देख रहे हैं, सभी से सुन रहे हैं कि सभी वास्तव में ये मान रहे हैं कि एक अच्छा प्रयास है, और वास्तव में ये प्रयास होना ही चाहिए, ताकि आने आने वाले जो 40-50-100 साल में हम वैसे ही नजर आए जब पहले आते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू जब सपरा जी का फोन आया, राज सपरा जी का कि एवें प्रोग्राम रख रहे हैं, तो मैं बड़ी खुशी हुई कि इस प्रकार का उपराला कर रहे हैं कि मंदिर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी का गल है कि क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी का हमेशा जड़ा उन्होंने संदेश रहा है वह मानव की सेवा रहा है और आपसी भाईचारा रहा है, और इस कारण ही जो अज भी देखने को मिले कि सारे धर्मों के लोग जिस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह जी प्रकाश उत्सव के खुशी विच इत्थे कीर्तन भी भाई साहब भाई सुनील जी ने किया, बड़ी अच्छे ढंग नाल उन्होंने गुरबाणी नाल सबनु जोड़िया और इतिहास दसिया, क्योंकि सब तो वड्डी लोड़ है इतिहास दसन दी। साढ़े समाज विच अगर इतिहास दसिया जाए तो कुरबानियां इन्नियां ने उहदा मतलब कि प्रचार किया जाए तो कोई भी बंदा उत्थों उठ नहीं सकता, मतलब कि अलग नहीं हो सकता, और यह प्रचार जड़ा वह इतों शुरू होया वह मंदिर तो होर भी ज़्यादा खुशी की गल है, क्योंकि यह चीज़ा कई लोग वंडन की कोशिश कर रहे थे कि असी धर्म अलग अलग होंदे जा रहे हैं, आपसी भाईचारा बिगड़ता जा रहा है, मतलब कभी भी हिंदू और सिख धर्म अलग नहीं होए, हिंदू और सिख धर्म मिलके ही काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, और इस दा मैसेज जड़ा जाएगा पूरे देश जाएगा, और मैं बधाई देना वा सनातन धर्म मंदिर नूं और पूरी कमेटी नूं, और इहो उम्मीद करना वा कि अगे भी एवें दे प्रोग्राम करते जाएंगे, और जड़ा मैं अज बेनती कीती है कि जिवें साढ़े साहिबजादे दी शहीदी है उहदा भी प्रचार किया, उहदे भी प्रोग्राम रखे जाण, क्योंकि बच्चों नूं जरूर पता लगे, बच्चों नूं नाल जोड़िया जाए, क्योंकि वड्डियां नूं ते काफ़ी हद तक
इतिहास पता भी नहीं, कईयों नूं पता लग रहे, पर बच्चों नूं जरूर जोड़िया जाए, बच्चों के भी प्रोग्राम रखे जाए तो उन्हां नूं कहा जाए कि कीर्तन करो, कुछ ना कुछ उन्हां नूं किसी प्रकार नाल लिया जाए जिदे विच इतिहास घर घर तक पहुँचे। मैं श्रोमणी अकाली दल दिल्ली सरना ग्रुप से जनरल सेक्रेटरी दिल्ली का बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले एक मन पीड़ा सी रहती है कि जब भी किसी पेपर में हम पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं, कहते हैं सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, जबकि सिखों के पहले गुरु थे लेकिन वो मानवता के पहले गुरु थे। आप जो अभी करतारपुर का कॉरिडोर खोला गया उसके आप वर्तमान लास्ट में जाइए, लास्ट में पास्ट में, उसमें क्या है कि जब गुरु नानक देव जी ने शरीर को त्यागा, त्यागने के बाद वहाँ पे आपस में हिंदू और मुसलमान, सिख तो थे ही नहीं, हिंदू और मुसलमान का झगड़ा हो गया कि हम इसको जलाएंगे, इनकी देह को, वो कहने लगे हम दफनाएंगे। आखिर में फैसला किया गया, लड़ाई झगड़े में चादर जब उठी गई, अंदर से गुलाब के फूल निकले, गुलाब के फूल निकलने के बाद उस चादर को उन्होंने हिंदुओं ने आधा किया, जला दिया, मुसलमानों ने उसको जला दिया, दफना दिया। वहाँ पे मज़ार भी बनी हुई है, हमने दर्शन किए करतारपुर साहब के, वहाँ मज़ार भी बनी हुई है, साथ में गुरुद्वारा भी है। तो सिखों के पहले गुरु कहना है उनके लिए कद को छोटा करना है। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत खुशी की बात है आप जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मनाया, लेकिन मेरी ये मन की तमन्ना है कि अगर आप इसकी जगह पे ये तो मनाओ ही, अगर आप गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरुपुरब मनाओगे ना, उसमें एक अलग मैसेज जाएगा कि एक एक छोटे से धर्म के गुरु जी ने अपनी शरीर कुर्बान कर दिया केवल हिंदू धर्म को बचाने के लिए। औरंगजेब का था कि कोई जनेऊ नहीं डालेगा, कोई माथे पे तिलक नहीं लगाएगा, मेरे को कश्मीर से कन्याकुमारी तक केवल मुस्लिम धर्म चाहिए। उसको बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शरीर बलिदान दिया। तीसरी बात, आज हम लोग जो बात करते हैं रेड क्रॉस की, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, रेड क्रॉस के असली जो बानी थे ना भाई कन्हैया जी थे, जो गुरु गोविंद सिंह की फौज के अंदर थे। गुरु गोविंद सिंह की जब लड़ाई हुआ मुस्लिम मुगल फौजों से, तो उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम को भी पानी पिलाना शुरू किया जख्मी को, और सिखों को पानी पिलाना शुरू किया। तो कुछ सिख जो गुरु गोविंद सिंह के पास आए, उन्होंने बोला कि भाई कन्हैया जी जो है एक मुस्लिम जो घायल हुए हैं उनको पानी पिला रहे हैं। तो उनको पेश किया गया, उनको बोला ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, गुरु साहब मेरे को ना कोई बैरी नहीं बगाना, मेरे को सभी में हिंदू मुस्लिम सिख सभी एक ही नज़र आ रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने दवा खाने से एक मरम पट्टी का डब्बा और दवाइयाँ भी दी, अगर तेरे विचार इतने नेक हैं तो जिनको तो पानी पिला रहे उनको मरम पट्टी भी करो आप। दूसरी बात, आज हम बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की, जिसको ये प्रचार हमारे सिख धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है, अभी तक हमारे को ऐसा कोई लीडर नहीं मिला जो सिख धर्म का एक्चुअल प्रचार कर सके। आप हम बात करते हैं इसकी आज़ाद हिंद फौज की, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं बनाई थी, उसके असल बानी थे सरदार मोहन सिंह जी, जो एक जनरल थे जनरल मोहन सिंह जी, उन्होंने बनाया, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने टेक ओवर किया, जबकि ये बात किसी को पता नहीं है। क्यों? हमारी अपनी कमजोरी है। इतना कुछ कहते हुए मैं फिर भी इनसे गुजारिश करूंगा सनातन धर्म मंदिर की सभा से, आज सनातन धर्म मंदिर सनातन धर्म जिंदा भी तभी है अगर आज ये गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर शहीदी नहीं होते, शायद यहाँ आपको मंदिर देखने को भी नहीं मिलता। जो हिंदू धर्म नष्ट हो रहा था अपने समय में औरंगजेब के कारण, जिसके कारण बड़े हिंदू मुसलमान बन रहे थे, जबकि और बने भी, परंतु हमारे गोविंद सिंह जी ने उनको रोका और अपने बच्चों की भी शहीदी दी, और हमें चाहिए हिंदुओं को बचाने का कारण, हमें सनातन धर्म हो चाहे आर्य समाज हो, सबको गोविंद सिंह जी के जो जयंती है मनानी चाहिए हमेशा। और गुरु नानक जी ने तो हिंदुओं को बचाने के लिए बड़े शहीदी दी, जैसा कि अभी बताया वो मस्जिद ही बनी हुई है। और इसी के चलते मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ, देखते रहिए तब तक हमारे साथ न्यूज़ 81 एंटरटेनमेंट।